और भाई जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, पूरा एशिया का सबसे बड़ा डॉग है। ये देखिए, और सबके रेट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं यार, 500, 500, 800। बाहर आने के लिए बेचारा तड़प रहा है, बट इसको पिंजरे के अंदर जो बंद किया हुआ है ना, बेचारा आज़ाद होने के लिए देखिए क्या क्या नहीं कर रहा है। स्नैक्स भी रखे हैं यार, स्नैक्स भी बेचे जा रहे हैं। और जितने भी स्नैक्स आप देख रहे हो रखे हुए, और सब में से सबसे एक्सपेंसिव ये वाला स्नैक है भाई। स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे थाईलैंड के सबसे बड़े और मशहूर मार्केट चटुचकंच वीकेंड मार्केट में। यह मार्केट हर हफ्ते शनिवार और रविवार को यह सबसे बड़ा मार्केट लगता है, और यहाँ आप ढेर सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, और काफ़ी यूनिक मार्केट है। ये यूनिक मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बहुत जल्द पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो बनी रहिए शुरुआत से अंत तक के इस वीडियो में, और पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये मार्केट है, और क्यों ये मार्केट जो है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जानने की कोशिश करते हैं इस चटुचकच वीकेंड मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेट शॉप की ओर, जहां हम आपको तरह तरह के प्यारे जानवर मिलने वाले हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, यहां तक कि विदेशी पक्षियां भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप एरिया में जाओगे तो आप पक्षियों की आवाज़ जो आपको सुनाई देगी ना भाई, तो उसके वजह से आपको जो पीस माइंड को मिलने वाला है, तो बहुत लाजवाब एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। अभी देखिए भाई, सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में आया हूँ मैं, जहाँ पे बर्ड्स को भाई सेल किया जा रहा है। ये देखिए भाई, दो भाई क्या है यार, ये क्या है भाई, गजब गजब, चारों तरफ भाई पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। ये देखिए, और सबके रेट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं यार, 500, 500, 800, 800, सब अलग अलग रेट के हैं। और एक जो है, एक 500 का एक बर्ड अगर आप लोगे तो 500 भात का आपको मिल रहा है जनाब। देख रहे हो आप किस चीज़ का मार्केट है ये, और साथ ही साथ इनका फूड भी सेल किया जा रहा है। जो पक्षियाँ खाते हैं सब इनका फूड भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। देखो, पैरोट के लिए मकाओ, जो पैरट्स जो है जो चीज़ खाते हैं उनके सब फूड भी यहाँ पे रखे गए। देखिए आप, पिंक फैट एग्जैक्ट, कछुए बिल्कुल एक ही जगह रुके हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल एक्टिव, बाहर आने के लिए बेचारा तड़प रहा है, बट इसको पिंजरे के अंदर जो बंद किया हुआ है ना, बेचारा आज़ाद होने के लिए देखिए क्या क्या नहीं कर रहा है, बट नथिंग वी कैन डू। देखिए भाई साहब, और पेट के सेक्शन में भाई ये देखिए आप, अलग अलग टाइप के कुत्ते आपको बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और बड़े ही खूबसूरत कुत्ते हैं यार। तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी बिल्लियाँ, और पूरे इसमें पेट्स का सेक्शन है, कुत्तों से लेकर बिल्ली पालतू जानवर यहाँ पर पूरा रखा हुआ है इस सेक्शन में। यहाँ पे देखिए भाई, सब महंगे नस्ल के कुत्ते यहाँ पे मिलेंगे आपको, सब महंगे नस्ल के कुत्ते हैं भाई, और जितने भी यहाँ पे रखे हुए सब 10,000 के ऊपर ही है इंडियन रुपीज़ में। 50-50 1-1 लाख रुपए के कुत्ते यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। देखिए भाई, और ये जो देख रहे हो भाई सफ़ेद वाला, इसकी कीमत जान के आप हैरान हो जाओगे, इसको बेचा जा रहा है 3 लाख इंडियन रुपीज़। देख रहे हो शान पर जो है कि भोग दे तो मैं डर के भाग जाऊँ यहाँ से। ये देखिए भाई, अलग मस, कुछ कुछ बाल सफ़ेद है, कुछ कुछ ग्रेइश है। ये देखिए छूने की कोशिश कर रहा है बट छू नहीं पा रहा है। ये देखिए भाई,
ये देखिए भाई साहब, एशिया का सबसे बड़ा डॉग। और स्पेशली फैन की ज़रूरत पड़ रही है, गर्मी इतनी है कि बिना फैन के रह नहीं सकता, इसीलिए स्पेशल इस डॉग के लिए, एशिया के सबसे बड़े डॉग के लिए स्पेशल फैन का इंतज़ाम किया हुआ है। भाई देखिए कितना स्पेशल डॉग है ये। तो भाई कुछ इस लेवल का मार्केट है ये। कितना देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट आ ही रही होगी कि यार कब इस मार्केट में हम विज़िट करते हैं। तो बिल्कुल आप आ सकते हो इस मार्केट में। चटुस्क प्रोनाउंस नहीं आ रहा, जो भी हो देख लेना आप। तो इस मार्केट में आप आ सकते हो भाई, बिल्कुल आ सकते हो। ये देखिए भाई खड़ा हो गया ये। अरे भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, कितना बड़ा है यार। खैर फिर भी यार जितना देखो उतना कम ही है, देखने की इच्छा होती है। इतने खूबसूरत आपको डॉग्स मिलेंगे यहाँ पे। तो चलते अभी दूसरे सेक्शन में भाई साहब। क्या बताएं, क्या है ये? ये देखिए भाई पिग, पिग देखिए, छोटे छोटे बच्चे पिग्स के। खरगोश देखिए, ये क्या है? ओ भाई साहब क्या है यार ये, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब मार्केट है यार ये तो। ये देखिए भाई, भाई ये देखिए यार, स्नेल्स भी बेचा जा रहा है यार यहाँ पे भाई। स्नेल्स तक के मार्केट पे सेल किया जा रहा है यार। ये देखिए यार क्या है ये, भाई भाई बकरियों को भी पिंजरे में डाल के रखा है यार यहाँ पे। देखिए भाई, भाई कितने सारे देखिए आप, और लिजार्ड्स भी रखे हुए हैं भाई यहाँ पे। देखिए कितने सारे हैं, तो देख पा रहे हो आप। हर तरीके के बर्ड्स, हर तरीके के छोटे छोटे बाइक जीव जंतु आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। शॉप में आ रहा हूँ, गॉड ऑफ जू इस शॉप का नाम है। और इस शॉप में भाई देखिए आप, हर साइज़ के कछुए रखे हुए यहाँ पे पिंजरों में। देखिए बहुत बड़ा कछुआ आपको दिखाता हूँ मैं अभी, बहुत बड़ा, मेरे लाइफ में पहली बार देखा होगा इतना बड़ा कछुआ यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए पैर देखिए भाई इसके, कम से कम 100 साल के ज़्यादा एज होगी इसकी, 100 साल से ज़्यादा भाई। दोनों अपना एक ही जगह, तो बड़े पिंजरे हैं भाई। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है यार। घूमते घूमते आया हूँ मैं अभी बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शन में, प्लांट्स का सेक्शन, पेड़ पौधों का सेक्शन। और जैसे ही मैं एंट्री कर रहा था इस सेक्शन में, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है। और ये है, देख रहे हो अपने भगवान की मूर्तियाँ, गणपति जी की मूर्तियाँ, कुछ फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। और ये माँ दुर्गा की मूर्ति, तो भाई यहाँ पे इंडियन गॉड्स को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है, जितना मुझे समझ पा रहा हूँ। देख रहे हो तो कुछ यू है ये सेक्शन। हाय
और ये भाई पूरा सुवेनियर शॉप है यहाँ पे। और ये पूरा प्लांट्स का सेक्शन, प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे सेल किया जा रहा है भाई। ये देखिए इसकी कीमत 59 मिलियन भाई। 59 मिलियन यानी कितना हुआ यार, 59 मिलियन के भाई ये फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए सब काफ़ी पुराने ज़माने के फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे भाई टंगे हुए हैं। रेट दिया हुआ है 65, 59, 18, 18 मिलियन, काफ़ी एक्सपेंसिव। कि यहाँ पे जितने भी आप स्टॉल्स देख रहे हो तो कुल यहाँ पे 15,000 स्टॉल इस पूरे वीकेंड मार्केट में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मार्केट जो है कितने बड़े एरिया में भाई फैला हुआ है। और जैसे कि इस मार्केट का नाम है वीकेंड मार्केट, तो सैटरडे और संडे को स्पेशली वीकेंड्स के दिन यहाँ पे भाई 2 लाख से 3 लाख लोग यहाँ पे डेली विजिट करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये वीकेंड मार्केट इसे कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन आपके लिए ये मार्केट हो सकता है। और इस मार्केट का कंप्लीट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप इनकेस प्लान करते हो इस मार्केट को विजिट करने का तो आप आसानी से इसके थ्रू इस मार्केट पर पहुँच सकते हो। तो आवाज़ सुनाई दे रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा होगा इसका। खास बात यह है कि यार यहाँ का जो थाईलैंड का बैंकॉक का जो मेन बस स्टॉप है, इस मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो मेन बस स्टॉप है। यहाँ पे भाई साहब देखिए आप, स्नैक्स भी रखे हैं यार, स्नैक्स भी बेचा जा रहा है भाई यहाँ पे। और हर तरीके के स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं यार। और इसका रेट देखिए आप, 6,000, 17,000, 10,000 के स्नैक्स, 20,000 इंडियन रुपीज़ में, 20-22,000 का स्नैक है भाई। ये देखिए आप देखिए, सब अलग अलग टाइप और सबके रेट यहाँ पे लिखे हुए बॉक्स में। और ये देखिए भाई जो हिल रहा है थोड़ा, 15,000 कॉस्ट है स्नेक की, स्ट्रिप पोस आइसर। ये देखिए इसका कॉस्ट देखिए आप, 70,000 यानी पता है आपको कितने का हो गए भाई, 1,40,000 का स्नेक यहाँ पे बेचा जा रहा है इस शॉप में भाई। इसका टाइप तो नहीं पता, बट देखिए आप मूवमेंट शुरू है इस सांप की भाई। और जितने भी स्नेक्स आप देख रहे हो रखे हुए, और सब में से सबसे एक्सपेंसिव ये वाला स्नेक है भाई। और इनको इस शॉप में भाई टेम्परेचर कुछ ना कुछ मेंटेन रखना पड़ रहा है, ताकि इन जानवरों को कुछ टेम्परेचर के वजह से दिक्कत ना हो, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, तो इनको प्रॉब्लम ना हो इसके वजह से। जो आप देख रहे हो एसी, इनको 24/7 लगाए रखनी पड़ती है, ऑन रखनी पड़ती है, ताकि इनको कुछ दिक्कत ना हो। गॉड ऑफ जू, वाकई में जू का गॉड है। जिस तरीके से सांपों का कलेक्शन इनके पास रखा हुआ था ना, और भाई 70,000 बात, 1,40,000, कम से कम 1.5 लाख का सांप यहाँ पे बेचा जा रहा है भाई। कौन होंगे वो लोग जो लेते होंगे, वो भी एक शौक है, बड़े शौकीन लोग हैं यार यहाँ पे। ये देखिए भाई जंगली, जंगली क्या है ये, भाई इसको भी लेते हैं यार भाई। ये बहुत ख़तरनाक होती है यार, बहुत ख़तरनाक होती है। ये देखिए एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुकती इसको, इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती है कंटिन्यू। एक देखिए आप, अंदर ही अंदर एक कई बार वॉक उसका शुरू है। अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जानवरों का बहुत ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो पानी की सुविधा, उनको समय समय पे जो भी वो खाते हैं वो खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है।
सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उनको दूध पिलाने के लिए देखे उन्होंने किस तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखिए इनकी बॉटल्स लगी हुई है यहाँ पे, जिसको भी प्यास या फिर जो भी उनको चाहिए है तो अपना यहाँ पे मुंह लगाते और अपना पीना शुरू कर देते हैं। भाई ये देखिए एकदम ही छोटे छोटे बच्चे यार, अब भी जस्ट पैदा हुए बच्चे यहाँ पे रखे हुए यार। देखिए आप कितों से बच्चे हैं। ये देखिए भाई कितों सा बच्चा है यार, ये देखिए यार। ये देखिए भाई जंगली बिल्ली यार, ये हाय देख रहे हो भाई साहब, जंगली बिल्ली रखी हुई यार यहाँ पे, बच्चा है अभी भाई। ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है, ये मांस खाती है, ये मांस। अलग ही दिख रहा है यार, और थोड़ी स्मेल भी आ रही है इन शॉप में जाने के बाद से, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट यार यहाँ पे मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पे अलाउड है, आप मीन्स जानवरों को पेट्स को यहाँ पे आप बिल्कुल मार्केट में खुलेआम बेच सकते हो, उनको पाल सकते हो, उनको अपने घर में रख सकते हो। बट इंडिया में शायद पैरट्स वगैरह रखना अलाउड नहीं, या फिर किसी भी जानवर को एक्सेप्ट डॉग आप शायद नहीं रख सकते हो, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं लग रहा है देख के यार। तो अभी फ़िलहाल आया हूँ और दूसरे सेक्शन में, तो कंटिन्यू में जितना आप आगे बढ़ते जाओगे सेक्शन चेंज होते रहेगा और काफ़ी अलग अलग सेक्शन से इस मार्केट में बने हुए हैं। तो जैसे आपने देखा फिश एक्वेरियम का एक सेक्शन था, फिर इसके बाद एनिमल्स का एक सेक्शन मिला, अभी यहाँ पे कुछ जो जनरल्स आइटम होते हैं तो ये जनरल आइटम का एक सेक्शन दिख रहा है। तो है यार काफ़ी मीन्स इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है यार। ये पूरा जो लेन है 1 किलोमीटर का है पूरी लंबाई इस लेन, इसी लेन के ऑल अलोंग पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस साइड में आप छोटे छोटे गलियां मिलेगी अलग अलग सेक्शन से इस लेन में पूरे। तो अगर मैं इस मार्केट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे भाई जिस तरीके से आप जो स्टॉल्स देख रहे हो छोटे छोटे, करीबन 15,000 के करीब स्टॉल्स है इस मार्केट में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट बोला जाता है। और इसके टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 6 बजे तक के रहता है, और वीकेंड के दिन जैसे कि इसका नाम है चटुचकच वीकेंड मार्केट, तो ये भाई वीकेंड के दिन रात को मीन्स फ्राइडे सैटरडे और संडे रात को 12 बजे तक के खुला रहता है मार्केट। और वीकेंड के दिन जनरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है, इवन आपको यहाँ पे चलने के लिए भी स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे जो है काफ़ी अलग अलग सेक्शंस है, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे फिश एक्वेरियम का था, एनिमल्स का था, और ऐसे इस तरीके के करीबन 26 सेक्शंस इस मार्केट में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपको अगर शॉपिंग करना है, आपको कुछ सेकंड हैंड बड़े बड़े जो ब्रांड्स के जो मर्चेंडाइज होते हैं या आपको अगर होना है यहाँ इस मार्केट में आपको मिल जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होना है वो भी आपको मिल जाएगा, क्लोथिंग्स होना है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एंटिक्विटीज़ के फूड स्टॉल्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, सुविनियर्स के शॉप्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो भाई आपके लिए एक जगह पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को ले सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप पूरा मार्केट अगर एक्सप्लोर करना चाहोगे तो कम से कम आपको यहाँ पे भाई 5 घंटा तो पूरा लगेगा आपको इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट कितना बड़ा है और कितने बड़ी एरिया में स्प्रेड है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है अगर आप इनके से यहाँ पे आते हो, बैंकॉक में आते हो, तो ये प्लेस आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। बैंकॉक का थाईलैंड का सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है। तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हो यहाँ पे आने की और इस एरिया को एक्सपीरियंस करने की। और स्पेशली सबसे पसंद मुझे आया वो जो भाई जो बर्ड्स को एनिमल्स को जो रखा हुआ है ना यार, देख के वाकई में थोड़ा दुख होता है कि यार इनको पिंजरे के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर आज़ाद होना चाहिए। बट अभी ह्यूमन नेचर ग्रीडीनेस है, उस ग्रीडीनेस की वजह से बेचारों को कैद किया हुआ है। बट ठीक है अभी जो है उसको भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। तो ठीक है मैं अभी फिर इस मार्केट से कहता हूँ आपको भाई अलविदा, और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स के थ्रू अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको हर डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, आपको जो भी डाउट हो। तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को मुझे। तो ठीक है मैं आपको फिर कहता हूँ भाई अलविदा, और बहुत जल्द मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।